नमस्कार, मैं हूं श्रेया आर्या। मेरे साथ हैं सौरभ और हम दोनों आपके लिए इंडिया न्यूज स्पोर्ट्स पर लेकर आ गए हैं आज सुबह की मॉर्निंग अपडेट्स। और मॉर्निंग अपडेट्स में जो सबसे पहली खबर है वो है भारतीय टीम की शानदार जीत। ये जो लास्ट बॉल पे अब जो कहीं ना कहीं टीम इंडिया को मुसीबतों से निकाल कर लाए मोहम्मद सिराज, उसकी यहाँ बहुत ज्यादा तारीफ हो रही है। और आपको बता दें कि इस मैच में पहले बल्लेबाजी करने उतरी थी भारतीय टीम, जहां पर 308 रनों का टोटल पूरा खड़ा किया था स्कोर बोर्ड पर। उसके बाद जब जवाब में लक्ष्य का पीछा करने उतरी वेस्टइंडीज की टीम, तो वो महज यहां पर आपको बता दें तो 305 रन ही बना पाई और 6 विकेट खोकर। अंतिम बॉल जो एकदम एक्सपेक्टेड थी कि यॉर्कर होनी चाहिए, सिराज ने वो करके दिखाया और बाउंड्री नहीं खाई उस वहां पर। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से एक वक्त पर लग रहा था यहाँ पर सौरभ की भारतीय टीम हार सकती है, क्योंकि अंत में जिस तरह की बल्लेबाजी वेस्टइंडीज के बल्लेबाज कर रहे थे, लंबे लंबे शॉट्स लगा रहे थे, उससे निकाल कर लाया। और सिराज ने जिस तरह की गेंदबाजी की, सभी उनके मुरीद हो गए हैं। जी बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे सबसे पहले तो बेशक भारतीय टीम के मुकाबले शेयर जीती हो, लेकिन वेस्टइंडीज टीम की जो है तारीफ करनी होगी, क्योंकि इससे पहले मुकाबले देखे तो वेस्टइंडीज का जो एक मोमेंटम था वो लगातार देखे तो गिरते ही आ रहा था, लेकिन ये जिस तरीके से भारतीय टीम को एकदम उन्होंने टक्कर का मुकाबला देखने को मिला है, 305 रन वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों ने बना दिए थे, लेकिन अंत में आते हैं जैसे भी श्रेय ने बताया कि सिराज का वो अंतिम ओवर वो हमेशा के लिए कहे कि याद रहने वाला, क्योंकि एक रोमांचक ओवर जो उनके गेंदबाजी पर देखने को मिला, क्योंकि एक कोई अनुभवी गेंदबाज ने देखे तो टीम में था नहीं, तो उन्होंने जिस तरीके की एक अनुभव अपना जो दिखाया लास्ट ओवर में आकर के वो काफी काबिले तारीफ था, और भारतीय टीम को 1-0 की लीड जो दिलाई है वो काफी अहम है, क्योंकि आने वाले जो दो मुकाबले हैं उसमें भारतीय टीम अब जब हमने इंग्लैंड के खिलाफ भी देखा था कि पहला मुकाबला जीतने के बाद दूसरे मुकाबले में किस कॉन्फिडेंस के साथ जो है भारतीय टीम मैदान पर उतरी थी, तो कुछ इसी तरीके का अंदाज जो है दूसरे मुकाबले में जो कि रविवार यानी कल खेला जाना है उसमें कुछ भारतीय टीम से देखने को मिलेगा। बिल्कुल। और उसके बाद अगर आगे बढ़ते हैं तो अगली खबर की तरफ, क्योंकि अगली खबर भी इसी मैच से जुड़ी हुई है, शिखर धवन से जुड़ी हुई है। जिस तरह की धवन ने यहाँ पर शानदार पारी खेली है, इस पारी की बदौलत हालांकि वो 97 रन पर आउट हो गए, हम सभी उम्मीद कर रहे थे कि धवन यहाँ पर शतक में तब्दील करे अपनी इस अर्धशतकीय पारी को, लेकिन इस अर्धशतकीय पारी में भी धवन ने एक रिकॉर्ड बना दिया है। सबसे उम्र दराज कप्तान यहाँ पर बनकर निकले हैं शिखर धवन, जिन्होंने यहाँ पर अर्धशतक जमाया है वनडे के इंटरनेशनल मैचों में। इससे पहले ये रिकॉर्ड मोहम्मद अजहरुद्दीन के नाम था, लेकिन वेस्टइंडीज के खिलाफ अपनी 97 रनों की पारी में शिखर धवन ने इस रिकॉर्ड को अपने नाम कर लिया है, जहां पर वो बन गए हैं सबसे उम्रदराज कप्तान वनडे में यहाँ पर अर्धशतक भारत जमाने के की ओर मामले से में। हाँ, खासकर भारत की ओर से। जी बिल्कुल, और साथ साथ श्रेय ये भी देखें कि शिखर धवन जिस तरीके पहले भारतीय टीम से बाहर चल रहे थे उसके बाद आईपीएल में आके अच्छा प्रदर्शन करते हैं और फिर टीम में उनको खेलने का मौका मिलता है, क्योंकि साउथ अफ्रीका दौर जब साउथ अफ्रीका भारत दौरे पर आई थी उसमें उनको खेलने का मौका नहीं मिला, आयरलैंड दौरे पर जब भारतीय टीम गई उसमें इनका सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि सभी को उम्मीद थी कि शिखर धवन का उस दौरे पर जो है चयन हो सकता है कप्तान के तौर पर, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। फिर इंग्लैंड दौरे पर जाके उनको मौका मिला और उन्होंने उस मौके का कहीं बखूबी फायदा उठाया, और जहां उनको अपने काबिलियत को दर्शाना था उन्होंने इंग्लैंड दौरे पर जाकर के उस काबिलियत को दर्शाया, और बाद में वेस्टइंडीज दौरे पर उन्हें मौका मिला कप्तान के तौर पर, जिस तरीके की बल्लेबाजी उनसे देखने को मिली है एक नया रिकॉर्ड उन्होंने अपने करियर में जैसे भी श्रेय ने बताया वो उन्होंने अपने नाम कर लिया, लेकिन अभी भी नर्वस 90s वाली जो बात है वो शिखर धवन का जो है पीछा नहीं छोड़ रही है। बिल्कुल यहाँ पर सौरभ, क्योंकि जिस तरह की बल्लेबाजी शिखर धवन वहां पर करके दिखा रहे थे, सभी को उम्मीद थी कि धवन शतक लगाए, हालांकि वो शतक से चूक गए, लेकिन जिस तरह की वापसी यहाँ पर भारतीय टीम के लिए करके दिखाई है ना शिखर धवन ने, उसके सभी मुरीद हो गए हैं। क्योंकि एक वक्त पे ऐसा लग रहा था कि अंतरराष्ट्रीय करियर में कहीं ना कहीं अब शिखर धवन के डाउनफॉल आ रहा है, और किसी भी फॉर्मेट में एक वक्त पे तो उन्हें मौका नहीं दिया जा रहा था। आईपीएल में अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन उसके बाद की जो लगातार सीरीज हुई साउथ अफ्रीका के साथ जो सीरीज हुई, वहां उन्हें मौका नहीं दिया गया, लेकिन ये जो वापसी हुई बतौर कप्तान वापसी हुई, उससे बल्लेबाजी में भी उनकी वापसी हो चुकी है। और जिस तरह से उनके बल्ले से अब रन निकलने लगे हैं, कहीं ना कहीं मुझे लगता है यहाँ पर सौरभ की भारतीय टीम उन्हें एशिया कप और साथ ही साथ वर्ल्ड T20 में भी ले जाना चाहेगी, क्योंकि रोहित और शिखर की जो जोड़ी है वो आईसीसी के टूर्नामेंट में बेहद जबरदस्त है। जी बिल्कुल, ये देखने वाली बात होगी कि अब जो आपने बोला शिखर धवन की लय इसी तरह हम सब उम्मीद करते हैं कि बरकरार रहे और एशिया कप आने वाला उसके बाद देखे तो साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया टीम जब भारत दौरे पर आ रही है उसमें भी इनको मौका मिले जिस तरह अगर इनकी लय है, तो फिलहाल ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर हम आज की अपनी तीसरी खबर पर आगे बढ़े तो इंग्लैंड टीम के कप्तान इंग्लैंड टेस्ट टीम के कप्तान बेन स्टोक्स ने जो हाल ही में ही ओडीआई क्रिकेट से अपने रिटायरमेंट का ऐलान किया था, तो उससे अब उनके टेस्ट टीम के कोच ब्रेंडम मक्केलम ने जो
जो है उनकी उनका समर्थन करते हुए जो है उनकी तारीफ की है यहाँ पर, कि जो भी उन्होंने बेन स्टोक्स ने जो अपने ये डिसीजन लिया है तो काफी सूझबूझ के साथ लिया और वो उनके डिसीजन में उनका पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब ये हमने बेन स्टोक्स को श्रेय देखा भी है कि उन्होंने अभी पिछले कुछ साल पहले देखे तो एशेज सीरीज के लिए उन्होंने आईपीएल तक जो उन्होंने छोड़ा था कि अपना जो फोकस जो है एशेज सीरीज पे, तो कहीं ना कहीं उनका जो फोकस है टेस्ट क्रिकेट पे ज्यादा देखने को मिलता है और वो काफी अच्छी बात भी है क्योंकि टेस्ट क्रिकेट जो है तीनों फॉर्मेट में देखें तो टेस्ट क्रिकेट सबसे बड़ा क्रिकेट माना जाता है, क्रिकेट का सबसे बड़ा फॉर्मेट माना जाता है। तो उसके लिए उन्होंने जो है अपना ओडीआई क्रिकेट का हम कहेंगे सेक्रीफाइस किया है। बिल्कुल, यहाँ पर उन्होंने सेक्रीफाइस किया और इस उनके इस फैसले से यहाँ पर ब्रेंडन मैकलम बिल्कुल खुश है, क्योंकि उनका साथ ही साथ मैकलम का ये भी कहना है कि उन्हें नहीं पता कि आजकल के बिजी शेड्यूल में क्या यह एक ट्रेंड बन जाएगा या नहीं, लेकिन फिलहाल के लिए जिस तरह का उन्होंने प्रदर्शन करके दिखाया टेस्ट मैचों में उसकी बहुत ज्यादा तारीफ होती है। साथ ही साथ इंग्लैंड को वर्ल्ड कप जिताने वाले बल्लेबाज वो थे, और न सिर्फ बल्लेबाज बतौर ऑलराउंडर उस पूरे विश्व कप में बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन करके दिखाया। तो कहीं ना कहीं अगर बात करें ब्रेंडन मैकलम के साथ जो जो स्टेटमेंट गया है उसकी सभी यहाँ पर कह सकते हैं कि थोड़ी बहुत आलोचना भी कर रहे हैं, लेकिन अब उनका निजी फैसला है और वर्कलोड मैनेजमेंट को लेकर भी यहाँ पर बयान दिया था बेन स्टोक्स ने। अब देखना उनको यही होगा कि जिस तरह से अब आने वाले जो दो फॉर्मेट में अब वो बस बचे रहेंगे उसमें वो किस तरह का ऑलराउंड प्रदर्शन करके दिखा पाते हैं। तो बढ़ते हैं आज की अगली खबर की तरफ। तो आज की अगली खबर है श्रेयस अय्यर से जुड़ी हुई। अय्यर ने भी यहाँ पर बेहतरीन पारी खेल कर दिखाई पहले वनडे में वेस्ट इंडीज के खिलाफ, और उस पारी की बदौलत ही बतौर भारतीय बल्लेबाज सबसे तेज 1,000 रन पूरे करने के मामले में अब श्रेयस अय्यर दूसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। और जिस तरह का यहाँ पर सौरभ प्रदर्शन करके दिखाया है, क्योंकि इसकी उम्मीद की जा रही थी, लगातार शॉर्ट बॉल का शिकार हो रहे थे अय्यर, उनकी आलोचना यहाँ पर की जा रही थी, लेकिन वेस्ट इंडीज के खिलाफ उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की जिसकी वजह से उन्होंने ये रिकॉर्ड अब अपने नाम किया है। और साथ साथ देखिए तो उन्हें इंग्लैंड दौरे पर जैसे भी ने बात की कि उनको एक ही तरीके से आउट होते देखा जा रहा था, जो उनकी कमजोरी थी जो हाइट पर जितनी बॉलें आ रही थी बाउंसर बॉल जितनी लग रही थी उस पर श्रेयस अय्यर जो है फंसे नजर आते। लेकिन वेस्ट इंडीज दौरे के पहले मुकाबले में देखे तो जिस तरीके से भारतीय टीम को, हालांकि ओपनिंग पेयर में देखे तो शिखर धवन और शुभमन गिल की ओर से एक अच्छी खासी साझेदारी देखने को मिली थी, लेकिन उसके बाद श्रेयस अय्यर ने नीचे आकर के भी अच्छी खासी बल्लेबाजी की और शतकीय पारी खेली। और लेकिन उन्हें यहाँ पर हम कमी ये कहेंगे सूर्य कुमार यादव का साथ नहीं मिल पाया, अगर वो भी कुछ अच्छा इस मैच में प्रदर्शन करते तो और भारतीय टीम जो है बड़ा स्कोर बना पाती। लेकिन यहाँ पर अगर श्रेयस अय्यर की बात करें तो उनका मिडिल ऑर्डर में चलना भारतीय टीम के अगर हम देखें नजरिए तो काफी जरूरी, क्योंकि आने वाले समय में भी एशिया कप भी होना है, उसके बाद दो सीरीज और आ रही है ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका से, उसके बाद T20 विश्व कप भी आ रहा है। तो ऐसे कहीं ना कहीं अब श्रेयस अय्यर का मिडिल ऑर्डर में अगर अपनी जगह को पक्का करना है, क्योंकि देखे तो हम सूर्य कुमार यादव एक ओवर से लगातार अच्छा प्रदर्शन करते आ रहे हैं, तो उनके ऊपर भी ये दबाव जो है श्रेयस अय्यर पर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, यहाँ पर सौरभ उनकी तरफ से दबाव यहाँ पर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी फिलहाल के लिए अगर देखें तो विराट कोहली भी फॉर्म में नहीं है। कब तक वो फॉर्म में वापस आ जाएंगे इस पर कोई कुछ नहीं कह सकता, इसीलिए अगर शुरुआत में विकेट जल्दी गिर जाते हैं तो मिडिल ऑर्डर में अय्यर ही वो बल्लेबाज होंगे जो सूर्य कुमार यादव ऋषभ पंत इनके साथ मिलकर पारी को संभालेंगे। लेकिन अब देखना यही है कि जो यहाँ पर जो एक पिकअप मिला है इस अर्धशतकीय पारी से उसको कहाँ तक कैरी कर सकते हैं ये श्रेयस अय्यर, क्योंकि प्रतिभा बहुत है, हर कोई इनकी तारीफ करता है, अब जरूरत है तो प्रदर्शन में उसे बदलने की। तो फिलहाल के लिए आज की मॉर्निंग अपडेट्स में इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, अपडेट्स पसंद आई हैं तो इसे लाइक करें, और साथ ही साथ हमें कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर देकर जाएं।